डार्क वेब इंटरनेट हमें एक दूसरे से जोड़ने का बहुत ही अमेजिंग मीडियम है। इस पूरी दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन रखता है इंटरनेट, पर 20 साल के ऋतिक को यह नहीं पता था कि यही इंटरनेट उसको और उसके दोस्तों को एक ऐसे जाल में फंसा देगा जहां से निकलना नामुमकिन होगा। वैसे तो ऋतिक इंडिया के भिलाई सिटी में रहता था, पर हायर स्टडीज के लिए वो बैंगलोर में शिफ्ट हुआ था और हर सैटरडे वो अपने दोस्तों से वीडियो कॉल करने के लिए पास के एक साइबर कैफे में जाया करता था। एक सैटरडे आफ्टरनून कॉलेज से आते हुए ऋतिक की नजर उसी साइबर कैफे पर पड़ी और उसने देखा कि दरवाजे के पास रखे एक लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स में एक लाइट चमक रही थी। उसने पास जाकर देखा तो बॉक्स में एक लैपटॉप रखा था। ऋतिक को बहुत टाइम से एक लैपटॉप की जरूरत थी और बॉक्स में पड़ा वो लैपटॉप देखकर उससे रुका नहीं गया और वो लैपटॉप उठाकर अपने घर ले गया। घर आकर उसने अपने दोस्तों को उसी लैपटॉप से वीडियो कॉल किया और वो खूब बातें करने लगे। ऋतिक ने सबको बताया कि उसको लैपटॉप कैसे मिला है और सब उससे लैपटॉप के बारे में और पूछने लगे, पर जिम अभी अभी लैपटॉप लाया था और उसने देखा भी नहीं था कि उसमें आखिर है क्या। ऋतिक लैपटॉप के अंदर के डाटा को एक्सप्लोर करने लगा और उसे कुछ ऐसी वीडियोस मिली जिसे देखकर सबका दिल दहल उठा। उस लैपटॉप में बहुत वायलेंट वीडियोस थे जिसमें लोगों को अलग अलग तरह से बहुत बेरहमी से मारा जा रहा था। ऋतिक और उसके दोस्त ये सब देख ही रहे थे कि उनमें से एक लड़के प्रांशु ने सबको बताया कि ये डार्क वेब है, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें दुनिया के सारे लोग एक दूसरे से बात करते हैं और खौफनाक सच्ची वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं। प्रांशु उन्हें ये सब बता ही रहा था कि तभी उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक अननोन इंसान आ गया। आते ही उसने एक मैसेज भेजा, तुम्हारे पास मेरा लैपटॉप है, वापस कर दो वरना तुम सब मारे जाओगे। ऐसा मैसेज देखकर सबके होश उड़ गए। ऋतिक को बहुत डर लगने लगा और वो बुरी तरह रोने लगा। उसके दोस्त उसे संभालने लगे। ऋतिक को घबराता देख उसके दोस्तों में से एक लड़की रुचि ऋतिक का मजाक उड़ाने लगी कि ऋतिक ये सब उन्हें डराने के लिए कर रहा है। और तभी रुचि का स्क्रीन फ्लिकर करने लगा और अचानक से काला हो गया। कुछ सेकंड्स बाद जब काला स्क्रीन हटा तब जो सबने देखा वो देखकर सब बुरी तरह शॉक्ड हो गए। रुचि का गला कटा हुआ था और उसकी गर्दन वहीं लैपटॉप के पास रखी थी। उसका मुंह नीला हो चुका था और आंखों से खून बह रहा था। कोई कुछ कह पाता उससे पहले ही उस अननोन इंसान का स्क्रीन पर एक और मैसेज आया, तुम सब मेरे वेब में फंस चुके हो, मुझे तुम सबका घर मालूम है, मैं तुम सबके लिए आ रहा हूं। यह मैसेज पढ़ते ही ऋतिक और उसके दोस्त बुरी तरह कांपने लगे। ऋतिक ने कॉल खत्म करने की बहुत कोशिश की पर उसकी स्क्रीन मानो लॉक हो चुकी थी। तभी ऋतिक ने वो लैपटॉप उठाकर जोर से जमीन पर पटका और उस लैपटॉप के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने जल्दी से सारे टुकड़े उठाए और जाकर उन्हें उसी लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स में डाल दिया। घर आकर ऋतिक बुरी तरह कांप रहा था। ऋतिक ने थोड़ी हिम्मत बांधी और थोड़ा पानी पिया, लेकिन उसी वक्त ऋतिक के मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, यू आर नेक्स्ट, मतलब तुम अगले हो। यह देखकर ऋतिक इतना कपकपाने लगा कि वो वहीं बेहोश हो गया। उसकी आंख खुली तो वो एक हॉस्पिटल में था, पर बहुत ज्यादा डर की वजह से उसकी आवाज चली गई थी। ऋतिक कुछ हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहा और फिर अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर अपने होम टाउन लौट गया। उस दिन के बाद से न ऋतिक ने न ऋतिक के किसी भी दोस्त ने इस इंसिडेंट के बारे में डिस्कस किया और ना ही डार्क वेब का दोबारा कभी नाम लिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल क्रीपी संडे और देखते रहिए हर हफ्ते एक हिला देने वाली स्टोरी।